नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे एक बकरी पालक की स्पेशल डिमांड पर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे एक बकरी पालक हैं जिनकी डिमांड आई थी कि सर जो मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन होता है उसकी डिटेल में जानकारी लीजिए, क्योंकि कई ऐसे बकरी पालक हैं जो मेलोनेक्स प्लस की जगह पर मेलोनेक्स प्लेन यूज कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में हम आपको मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि बकरे बकरियों की किन किन बीमारियों में कितने ml और किस रूट से इस इंजेक्शन को आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको समय से अपने बकरे बकरियों में रिजल्ट मिल सके। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेलोनेक्स प्लस का मल्टीडोज बॉयल रखा हुआ है। यह 100 ml का बॉयल है, 100 ml का। और यह जो इंजेक्शन है यह इंटास कंपनी का है। ये जो कंपनी है इसका जो इंजेक्शन यह है मेलोनेक्स प्लस, इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो पिछले कई सालों से जब से हम बकरी पालन कर रहे हैं तब से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है। ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं इस इंजेक्शन को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और हमारे बकरी पालक की डिमांड आई थी इसलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ। तो हम बात करेंगे इसके अंदर दो सॉल्ट है, मेलोक्सिकेम एंड पैरासिटामोल। इन दोनों सॉल्ट के अलावा भी इस इंजेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है बेंजोइल अल्कोहल मिलेगा, ये सभी में आता है। तीसरा जो है ये लिग्नोकेन है, इसके अंदर 1% वॉल्यूम में है। तो लिग्नोकेन की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि जलन रोधक है। अगर आप बकरा बकरी को किसी तरह का इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर उस इंजेक्शन में दो तरह के सॉल्ट, पहला पैरासिटामोल और दूसरा मेलोक्सिकेम, अगर वो मिक्स है तो वैसे में आपके बकरा बकरी को इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत ज्यादा जलन करता है, इचिंग करता है, जिससे आपका बकरा बकरी बहुत ज्यादा चिल्लाता भी है और वो स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो ऐसे में अगर आप मेलोनेक्स प्लस यूज करते हैं तो इसके अंदर लिग्नोकेन मिक्स है, जिससे कि ये बहुत कम जलन करता है, आपके बकरा बकरी को इंजेक्शन लगने के बाद प्रॉब्लम नहीं करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें मेलोक्सिकेन जो है वो 5 मिलीग्राम है, दूसरा जो सॉल्ट है पैरासिटामोल वो 150 mg है, 150 mg। तो ये जो कंटेंट है ये 1 ml के अंदर आता है, जिससे कि ये इंजेक्शन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें कि किन किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल दर्द निवारक इंजेक्शन है। जब बकरा बकरी को किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की बीमारी ना हो, जब हम चेक कर लें कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर कम भी नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो वैसे में समझ लीजिए कि उसे इंटरनल किसी तरह का दर्द हो रहा है। तो वैसे में आप मेलोनेक्स प्लस यूज कर सकते हैं तो आपका बकरा बकरी को बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके बकरा बकरी में किसी भी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल स्वेलिंग है, मतलब शरीर के अंदर कहीं पर सूजन है या शरीर के बाहर किसी तरह की सूजन है, मान लीजिए किसी बकरा बकरी ने उसे मार दिया या उसने कहीं पर अपना पैर फंसा लिया जिससे उसके शरीर में सूजन आ गई, उसके पैर में सूजन आ गई है, तो वैसे में भी आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सूजन जब आएगी पैरों में या कहीं शरीर में तो दर्द भी करेगी। तो दर्द और सूजन दोनों में ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा काम करता है। इसके अलावा अगर आपके बकरा बकरी को कोई जहरीला कीड़ा या मधुमक्खी या कोई भी ऐसा कीड़ा काट ले जिससे कि उसके शरीर पे फोड़े हो जाए, मतलब कि बड़े बड़े चकते हो जाए या उसे जगह जगह सूजन आ जाए, तो ऐसे में भी आप इस इंजेक्शन को बिना किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके बकरा बकरी को 10 से 15 मिनट में रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कि इसके अंदर पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल का मेन काम होता है बुखार उतारना। आपके बकरा बकरी को किसी भी मौसम में बुखार आए, फिर चाहे उसे 106 फ़ारेनहाइट हो या 108 हो, वैसे में भी आप इसे अगर यूज करेंगे तो 15 से 20 मिनट में आपके बकरा बकरी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हम खुद देखे हैं, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। और जैसा कि आप जानते हैं बकरे बकरियों में PPR FMD जैसे वायरस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे में भी बकरा बकरी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उसमें भी आप मेलोनेक्स प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके बकरा बकरी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा और उसे रिकवर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अपने बकरे बकरियों के साथ साथ अपने बकरी के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के होते हैं, उनमें भी मेलोनेक्स प्लस यूज कर सकते हैं। इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको इसका डोज का खास ध्यान रखना है।
अगर आपकी बकरी का बच्चा 10 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का है, या एडल्ट बकरी है जिसका वजन 20 किलो तक भी है, जैसे कुछ बकरा बकरी होते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, तो वैसे में आप इसे 1 ml यूज करें। अगर वो 20 किलो से लेकर 40 किलो के बीच का है तो आप उसमें 2 ml से लेकर 3 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 40 किलो से ऊपर का है वो बकरा बकरी, तो आप उसे 4 ml से लेकर 5 ml भी यूज कर सकते हैं। और इसके रूट की अगर मैं बात करूं कि आपको इसे कैसे लगाना है, तो आपको इसे IM लगाना है। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है फॉर IM यूज ओनली, मतलब इंट्रामस्कुलर, मतलब मांस में लगाना है सिर्फ। आपको इसे सबकट नहीं लगाना है, आपको इसे IV नहीं लगाना है। अगर सबकट गलती से लग जाता है चमड़ी में तो वहां पर गठान हो जाएगी जिससे कि पस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर गलती से IV लग जाता है, जैसे कुछ लोग नए नए इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं तो वो इंजेक्शन को लगाते समय पीछे खींच कर नहीं देखते हैं, इसमें वो नस में लग जाता है और इस वजह से बकरा बकरी की मौत भी हो जाती है। तो आपको इंजेक्शन लगाते समय ध्यान रखना है कि जब आप निडिल को बॉडी के अंदर करें तो आप उसे पीछे खींच कर जरूर देख लें कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है। ब्लड नहीं आ रहा है तो आप इस इंजेक्शन को लगा दें, अगर ब्लड आए तो आप निकाल कर उसे दूसरी जगह पर लगाएं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और जब आप इस इंजेक्शन को लेने जाएं तो लेते समय आपको एक बहुत जरूरी चीज देखनी है। जैसे आप देखेंगे इस इंजेक्शन को इस तरह से आप उल्टा कर लें, आप देखेंगे ये मेलोनेक्स प्लस है, आप इसे इस तरह से उल्टा कर लें। उल्टा करके इसे धूप के साइड में देखें, जैसे देखिए मैं देख रहा हूं, जैसे सामने से धूप आ रही हो आप इसे देखें, तो आपको इसके अंदर कण नजर नहीं आना चाहिए, जैसे कि पानी में धूल मिट्टी के कण नजर आते हैं। उसी तरह अगर इंजेक्शन पुराना हो जाता है, फिर चाहे वो एक्सपायर हो ना हो, अगर पुराना हो जाता है तो उसके अंदर कुछ कण टाइप से नजर आते हैं, कण होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि वो इंजेक्शन अगर आप लाकर अपने बकरा बकरी को लगा देंगे तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे और उसका रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई अदर इंजेक्शन यूज कर रहे हैं तो वो जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, पर ये जो मेलोनेक्स प्लस है इसके प्राइस की अगर बात करूं तो ये 100 ml का जो बॉयल है आप देखेंगे, 100 ml का मल्टीडोज बॉयल है, ये सिर्फ 175 MRP का है, ये देखिए 175 MRP का है। और अगर आप किसी मेडिकल से लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपको 15-20% इस पर डिस्काउंट भी कर देंगे, जिससे कि आपको ये 100 ml का बॉयल बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है और इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और जिन बीमारियों मैंने आपको बताया आप उसमें यूज भी कर सकते हैं। तो एक बार अपने बकरे बकरी में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करके जरूर देखें। अगर इस इंजेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।